इसके हवाले से भी बताएंगे, साथ ही में कहेंगे कि यहाँ जिला हॉस्पिटल में आरकेएसवाई की मीटिंग होती है तो जगह जगह पे जो एम्बुलेंस के लिए आपको इस वक्त काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? जो लड़की का नाम शाम बताएंगे। देखिए, हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खड़े हैं। हमारे यहाँ एक डेथ हो गई कल मंडी में, छेला डांगरी में, अतोली में, तो उसको वहाँ मंडी से एम्बुलेंस के लिए हम यहाँ लाए। चलो, उसका जो भी मामला है अब वो तो पुलिस के जेर समात है, देखा जाएगा क्या बनता है, पुलिस क्या उसमें एविडेंस लाती है। यहाँ से डेड बॉडी लेनी है तो जो एरिया है वो लिंक रोड है, और लिंक रोड में कई जगह कोई डंगे शंगे बह गए हैं, बारिशों का मौसम है, इसमें हमें छोटी एम्बुलेंस चाहिए थी। यहाँ पे मैंने देखा कि एम्बुलेंस खड़ी हैं, ये एजाज जान साहब ने डोनेट किया, एम्बुलेंस खड़ी है, और एम्बुलेंस जगह जगह छोटी खड़ी हैं, तो हमें बड़ी एम्बुलेंस दे रहे हैं। और हमने कहा एक एम्बुलेंस बड़ी जो है वो वहाँ नहीं जा सकती, छोटी एम्बुलेंस दे दो। तो यहाँ मैंने देखा जो ड्राइवर हैं वो एम्बुलेंस के घरों में सोए हैं, सुपरिटेंडेंट साहब का कोई यहाँ कंट्रोल नहीं, हॉस्पिटल में सामान नहीं है, प्राइवेट खरीद करके सारा आगे पीछे सामान जो है वो लाते हैं। यहाँ अंदर हालात जो है, यहाँ टेबलेट एक लोगों को नहीं मिल रही है, यहाँ जो अंदर थिएटर में सामान जरूरत हो है, या कहीं किसी का छोटा मोटा ऑपरेशन है उसमें सारा सामान बाहर से लाना पड़ता है। लोगों की इतनी परेशानी है, ये खस्ता हालत है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम सहूलियत दे रहे हैं, वो आयुष पता नहीं क्या क्या नाम लेके रखे हैं इन्होंने, लेकिन मौके पे जो देखा जाए, ग्राउंड पे जो देखा जाए, लोगों को इतनी तकलीफें हैं हर चीज़ की, लोगों को कोई भी सहूलियत सरकार की तरफ से नहीं मिलती। और ख़ास करके ये महकमा हेल्थ जो है जिसकी सहूलियत चाहिए, यहाँ ये इमारत तो बनाई थी उस वक्त ये मुफ्ती साहब ने पैसा दिया और इमारत बन गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हुआ करती थी उन्होंने यहाँ बनाया। आज अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो इमारत का ये बैरूनी हिस्सा आप देख लें, टूट फूट के तबाही हो चुकी है। यहाँ तो इसके प्लास्टर के जो लपड़े वो नीचे उतरे हैं, इमारत खड़ी है लेकिन वो पिलरों के ऊपर बाकी कुछ बाकी नहीं रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा डीसी साहब को कि वो इस हॉस्पिटल का खुद मुआयना करें। डीसी साहब बड़े अच्छे आदमी ले हैं, वो आईएएस अफसर हैं और उनमें ईमानदारी की एक वो किरण जो दौड़ धूप लगा रखी है उन्होंने लोगों को डेवलपमेंट के या मतलब मामला हल करने के लिए, तो मैं उनको ये गुजारिश करूँगा कि फील फोर हॉस्पिटल का वो मुआयना करें और मानुटली मायना करें। ये वो देखें कि बिल्डिंगों की क्या हालात है, बाहर से प्लस्तर सब उतर गया और सारा ख़त्म हो गया, अंदर हालात जो है वो गंदगी इतनी फैलाई हुई है कि आदमी खड़ा नहीं रह सकता। एम्बुलेंस और दूसरे कोई जो मामले हैं यहाँ उनको देखा जाए कि लोगों को मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिलती है, यहाँ कोई सहूलियत नहीं मिलती, दवाई सब बाहर से लाई जाती है। यहाँ पे जो है डॉक्टरों ने प्राइवेट प्रैक्टिस कर रखी है और लाखों रुपये दिन के हर डॉक्टर जो है बाहर कमा रहा है। इस वक्त भी हमने देखा कि आज भी मैं देख रहा था कि चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट जो है वो बाहर बैठे हैं कहीं बाजार में, और इस वक्त लाइन लगी है लोगों की। अगर वहाँ मीडिया वाले आप जाएंगे देखेंगे, इस वक्त लाइन लगी है लोगों की, वो प्राइवेट चेक कर रहे हैं। यही अगर चेक वो यहाँ तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं तो बैठ के अंदर हॉस्पिटल में करेंगे, उन लोगों को सहूलियत मिलेगी। बाकी डॉक्टरों ने भी, एक एक डॉक्टर यहाँ जो आता है वो क्या करता है कि वहाँ से एक पैंट और कमीज पहन के आता है और यहाँ से करोड़ों रुपये लेकर और गाड़ियाँ भर के लेके जाते हैं। तो ये पहुँच के लोग गरीब हैं और इनसे
इनको लूटा जा रहा है, कोई किसी तरीके से लूटा जा रहा है, कोई किसी तरीके से लूटा जा रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि वो इस पर गौर करें, देखें, और एलजी साहब से भी मैं कहूँगा कि वो इस तरफ, अगर ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती है, और मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वक्तन फ़क्तन लोगों की आवाज़ को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है कि उनको किसी बात की जो है वो समझ नहीं है। रोडों की इतनी हालत खस्ता हुई है, मैंने देखा कि जगह जगह आज इस बारिश में जो है पस्सियाँ पड़ी हैं, नाले निकल आए हैं, रोडें बह गई हैं और लोगों के इलाके बह गए, फसल तबाह हो गई, तो कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि किसी चीज़ को कोई देखे या कोई फरियाद सुनने वाला। इस एलजी इंतजामिया में किसी की कोई फरियाद सुनता भी नहीं है, जो लोग क्राई करते हैं उनकी बात भी नहीं सुनी जाती। मैं शुक्रिया करूंगा आपका मीडिया का कि आपने आकर लोगों की बात को सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचेगी और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर गौर करेगा। मैं इस पर शुक्रिया।